जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर बेहद अहम खुलासा सामने आया है। सीआरपीएफ की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला खुफिया एजेंसियों की विफलता थी। दरअसल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रिपोर्ट गृह मंत्रालय के बयान के विपरीत है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पुलवामा आतंकी हमला खुफिया एजेंसी की विफलता नहीं थी। जांच रिपोर्ट बताती है कि आईडी खतरे के संबंध में एक सामान्य चेतावनी थी, लेकिन कार से आत्मघाती हमले को लेकर कोई खास खतरा नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि घाटी में किसी भी खुफिया एजेंसी ने इस तरह के इनपुट को साझा नहीं किया था। सीआरपीएफ की आंतरिक रिपोर्ट में काफिले की असामान्य लंबाई समेत और भी कई खामियां बताई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।